नमस्कार, मैं सुनील, हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कुरुक्षेत्र। आज हम गांव बारना में आए हैं और हमारे साथ में है डॉक्टर हीरालाल जी और मैं सर से मिलते हैं। सर, प्लीज़ अपना परिचय दीजिए एक बार, अपने बारे में बता दीजिए। मैं डॉक्टर हीरालाल पारसर बारने से यहीं पर रहने वाला हूँ जी जी, और आयुर्वेद की साधना मैंने किया हुआ है आज से जी जी, और पिछले 60 साल से मैं यहाँ चिकित्सा कार्य करता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये असली जो है अशोका जो है लेडीज के काम आता है, जो भी स्त्री की कोई बीमारी है, जैसे श्वेत प्रदर है, रक्त प्रदर है, और मेंसेस की कोई भी बीमारी है, उनके लिए उसी के लिए आता है। अच्छा, जैसे सर, हाँ, पहले कब मेरे ख्याल से बहुत पौधों का जड़ी बूटी का लोग यूज करते थे, पर आजकल कम कर रहे हैं लोग, इसमें क्या रीजन है? बस लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में, ठीक है सर। और जहाँ जो जिसके पास जाते हैं उनको, उनके पास जाते नहीं, जिनको पता है उनके पास जाते नहीं है। अभी क्या है, सरकार भी जो है आयुर्वेद को बढ़ावा नहीं दे रही है। जी जी, जितना एलोपैथिक को बढ़ावा दे रही है उतना अगर आयुर्वेद को भी थोड़ा सा, उससे भी आधा भी देना, तो आयुर्वेद तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जो काम ये कर देगी वो कर ही नहीं सकती है एलोपैथिक को। अच्छा, पहले लोग काफी यूज करते थे पुराने टाइम में, अब आजकल लोग और कौन से हैं सर अपने पौधे यहाँ पे? जैसे ये है, ओके, ये अर्जुन है। अच्छा, ये अर्जुन है, ओके। नाम ये अर्जुन नहीं, सॉरी, वो पुत्र, जीविक पुत्र है, जीविक पुत्र, ओके, जीविक पुत्र है, ठीक है सर। ये जीविक पुत्र के इसके गुण जो है, ये बच्चा ना होता हो जिनको, उनके लिए देते हैं, पुत्र के लिए भी देते हैं इसको। अच्छा अच्छा, इसके फल रहे हुए अभी वो अर्जुन है सामने। अच्छा, वो अर्जुन का है, ठीक है, अर्जुन हार्ट के लिए है। अच्छा, लास्ट टाइम आपसे मिले थे मेरे ख्याल से, आपने उंगा का भी लगाया हुआ था पौधा। हाँ, यहाँ की वो आजकल उंगा इस समय होता नहीं है। अच्छा, इस समय होता नहीं है। अच्छा, कोई नहीं, उसके उंगा के क्या क्या फायदे होते हैं?